स्वागत है आपका दंगल 2019 में। दंगल 2019 का आगाज हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग के तहत 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए मतदान लगभग शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लंबी कतारें दिख रही हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 बजे तक उत्तर प्रदेश में 38%, बिहार में 33%, उत्तराखंड में 41% मतदान हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल में 56%, त्रिपुरा में 53%, मणिपुर में 53%, जबकि असम में 43% मतदान हो चुका है और लंबी कतारें लगी हैं। और आज की पोलिंग पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अश्विनी दुबे मौजूद हैं स्टूडियो में। कांग्रेस नेता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता दिनेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विभाग राय रखते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी भी मौजूद हैं और संजय मिश्र संपादक सहारा समय बिहार झारखंड चैनल के हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। दिनेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। ब्रेकिंग पट्टी चल रही है, 1 बजे तक कई जगह 50 फीसदी से ऊपर वोटिंग हो गई है। किस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी देखती है इसको? बंपर वोटिंग हो रही है, वोटर घर से निकल रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ सूचक है। और जिस तरह से मीडिया का, राजनीतिक दलों का, सामाजिक संस्थाओं का और चुनाव आयोग के जो पहल हैं, जो मतदाता जागरूकता है और लोगों में, मैं समझता हूं कि जैसे सारे क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है, वैसे ही मतदान के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उनके हाथ में सबसे मजबूत हथियार जो है, अब लोग उसको इस्तेमाल करने लगे हैं। और फर्स्ट टाइमर वोटर पूरे उत्साह के साथ मैं देख रहा हूं, मैं खुद वोट करके आ रहा हूं। हमने देखा है जिस तरह से लोगों में उत्साह है, उसको देखकर लगता है कि भारतीय लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक बार पुनः समय सारा समय के माध्यम से देश की जनता, जहां पर चुनाव हो रहा है 91 सीटों पर, अपील करता हूं कि अभी अगर वोट नहीं दिए हैं तो तत्काल अपने घरों से निकले और जाकर अपने मत का प्रयोग करें। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता है। पंकज जी, आपसे समझना चाहेंगे, 40-45% 1 बजे तक अगर परसेंटेज रह रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं, किसी से उनका कोई मतलब नहीं है, केंद्र सरकार ने काम अच्छा किया है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ रहा है, कांग्रेस क्या कहती है? देखिए भूपेंद्र जी, यदि केंद्र सरकार ने कुछ अच्छा काम किया होता तो देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना पड़ता कि हवाई हमलों के ऊपर वोट दोगे कि वोट नहीं दोगे। एक उपलब्धि मोदी जी की सरकार अपने 5 साल की उपलब्धि बता दे, हां एक बात जरूर हुई कि कल देश के सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि चौकीदार जरूर चोर है। क्योंकि आप यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बेरोजगारी पर यह पार्टी बात नहीं करती, मुद्रा लोन को लेकर ये पार्टी बहुत हायत हुआ मचाती, बहुत पिछले 5 साल में मोदी सरकार में यदि दम हो तो देश के बेरोजगारी के आंकड़े, मुद्रा लोन के आंकड़े जारी करते हैं, आंकड़े दोनों सरकार जारी नहीं करती। हम स्मार्ट सिटी का बहुत हवा सुनते थे, ये सरकार स्मार्ट सिटी पर मोदी सरकार बात नहीं करते। मोदी जी के भाषणों में ऐतिहासिक फैसले के रूप में विख्यात नोटबंदी, GST लापता है, गायब है। बुलेट ट्रेन महंगाई की महंगाई बुलेट ट्रेन की गति से बढ़ी, पर बुलेट ट्रेन कहां है ये कोई बताने को तैयार नहीं। गुजरात के चुनाव, भूपेंद्र जी आपने सी प्लेन देखा होगा, गुजरात विधानसभा चुनाव में कहां है सी प्लेन कोई नहीं जानता। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, किसानों की आय की बात यदि सरकार से पूछो तो जिक्री करते। घोषणा पत्र जारी किया, कहा व्यापारियों को पेंशन देंगे, स्वागत है, किसानों को पेंशन देंगे, स्वागत है, पर कितनी पेंशन देंगे नहीं बताते, कब देंगे नहीं बताते, कहां से देंगे नहीं बताते। तो ये असमंजस की जो सरकार है, सरकार को विदा करने का मन मानस देश की जनता जनार्दन ने बना लिया है भूपेंद्र जी। और ये मतदान केंद्रों पर देश के प्रथम चरण की 91 सीटों पर 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, इन पे जो कतार लगी है, ये मोदी जी की सरकार को रवाना करने के लिए, टाटा बाय बाय करने की लाइन बनी। चलिए आता हूं पंकज जी, आता हूं आपके दावे अपनी जगह। तारिक अहमद लारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नेता सपा। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वोटों का ध्रुवीकरण हमेशा देखा गया है इन सीटों पर, क्या लगता है आपको? बंपर वोटिंग हो रही है, 40-45% 1 बजे तक आ चुका है, अनुमान ले ये लगाया जा रहा है कि 60-65-70% तक ये वोटिंग जाएगी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के दावे आपने सुने। तारिक साहब, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ,
भाई आपकी आवाज क्या पूछ रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दावे आपने देखे, बंपर वोटिंग जो हो रही है, बीजेपी का कहना है प्रधानमंत्री के काम को वोट पड़ रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि जनता रुष्ट है, केंद्र सरकार से अब वोटिंग बटन दबाने का उनका मौका आया है, तो कांग्रेस की तरफ रुझान जा रहा है पूरा, आपका रिएक्शन? देखिए, बिल्ली को ख्वाब में हमेशा छिछड़े ही नजर आते हैं। अभी वोटिंग हुई है और आप हरकतें इन लोगों की देख रहे हैं कि कहां किस वोटिंग पोलिंग बूथ पे क्या हो रहा है। अभी मैं एक वीडियो ही देख रहा था, उसमें बाकायदा रिटर्निंग अफसर जो बैठा हुआ है वो बैठकर बीजेपी के बटन दबाने की कोशिश कर रहा था, तो लोगों ने पकड़ लिया। अभी की घटना है ये, कुल 10 मिनट हुआ है ये, नोएडा की 100 EVM खराब हुई है, इस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। और रही वोटों की बात, तो मैं अगर आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर दूं तो एक नजर आप भी मार लीजिए। सहारनपुर और बिजनौर और ये सब जगह का, मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना, मुरादाबाद, मैं सब आपको दे देता हूं, राउंड अबाउट करीब करीब 23 जगहों के मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। इसमें कांग्रेस का तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहां है, सिवाय एक दो जगह को छोड़ के। एक जगह है वो आपकी, क्या नाम है, सहारनपुर, जिसमें ये पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर लड़े थे और इस बार ये अकेले लड़ रहे हैं, और हम 3 लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो ये 3 लोगों का मिलकर जो लड़ना हो रहा है उसमें 23 में से जितने मैंने आंकड़े देखे, और पिछले चुनाव के ही आंकड़े दे रहा हूं, मैं इस चुनाव के अंदाजे वाले आंकड़े नहीं दे रहा हूं, 23 में से 21 सीटें तो हम ही लेकर जा रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि 21 सीटें हम लेकर जा रहे हैं। ये 8 सीटें छोड़िए, मैं आगे की भी सीटों की बात कर दे रहा हूं आपसे, जो आगे चुनाव होने जा रहा है। तो ये किस तरह से दावे पेश कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता है। दोनों लोगों को आराम से बैठना चाहिए, यूपी में इनकी 2-3 सीटें जीत जाएंगी कांग्रेस की और 2-3-4 सीटें जीत जाएंगी बीजेपी की, आराम से बैठे आप लोग, मस्ती से रहे इस बार। सबसे बड़ा दावा अश्विनी जी सपा का कि 23 में से 21 सीटें हम जीत रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान नहीं है, कोई कांग्रेस की तरफ रुझान नहीं है, सबकी बोलती बंद है, जमानतें जब्त होने वाली है, सपा पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने वाली है अपने गठबंधन के साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है बड़ा ही हिस्टोरिकल इलेक्शन होगा, पहले भी अगर देखें, अभी मायावती जी जिस तरह से देवबंद में जाकर उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद योगी जी का बजरंगबली को अयोध्या से शुरुआत करते, मैंने दो जो ध्रुवीकरण वोटों का है अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो एक तरफ शुरुआत अयोध्या से होती है, दूसरी तरफ शुरुआत देवबंद से होती है। तारिक जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस कहीं फ्रेम में नहीं है, 1-2 सीटों को छोड़कर सपा बसपा वर्सेस बीजेपी है, परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो अभी लोगों के बीच में लहर है वो राष्ट्रवाद वर्सेस ऑल है। तो राष्ट्रवाद की जो बात मोदी जी ने जिस तरह से करके लोगों के बीच में पाकिस्तान बड़ा इशू बनाकर किया, वो एक बड़ा विषय है। और दूसरा जो एक लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अफसा जो कांग्रेस हटाने की बात कर रहे हैं उसका कितना इंपैक्ट होगा, लेकिन 124A को कांग्रेस में डाल करके ये फ्रेम में कर दिया कि कांग्रेस और बाकी जो पार्टीज हैं वो सब एक तरफ हैं और किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया और बीजेपी एक तरफ है, तो लोगों के बीच में देश के लिए जो भी वोट डालेंगे, क्योंकि कैंडिडेट कहीं टक्कर में नहीं है, कैंडिडेट वर्सेज कैंडिडेट नहीं है, मोदी जी वर्सेज कैंडिडेट है। अब इंडिविजुअल डिपेंड करें, तारिक जी ने कहा कि बिल्कुल सहारनपुर में जिस तरह से चीजें, सहारनपुर में इमरान मसूद और मायावती जी के वो कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट आ जाने के बाद राघव अग्रवाल को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु कैराना में और बाकी जगहों पर देखें तो जो ह्यूज टर्नआउट होता है जब कभी भी इलेक्शन में मैक्सिमम वोटिंग हो, तो यह समझ लीजिए कि यह समझना चाहिए कि या तो कैंडिडेट के खिलाफ हो रही है या सरकार के साथ में हो रही है। तीसरी चीजें कैंडिडेट के खिलाफ, और कितना यूथ इसमें जुड़ा हुआ है वो भी एक बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि यूथ सबसे ज्यादा आता है और वोट डालता है। अभी जैसे मुजफ्फरनगर से जो खबरें आ रही, तो मुजफ्फरनगर से जो ज्यादा खबरें आ रही, जो पिक्चर आप शेयर कर रहे थे, वो जरूर बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, वो कांग्रेस के लिए, परंतु यहां पर ये इलेक्शन राष्ट्रवाद वर्सेस ऑल है। अब देखना है मोदी जी के लिए, लोगों के मन में ये है कि ईमानदार हैं, ठीक है, मोदी जी के नाम पर वोटिंग हो सकती, कैंडिडेट्स उनके जरूर कहीं फ्रेम में नहीं है। चलिए आऊंगा आपके पास, संजय मिश्र हमारे साथ मौजूद है, संपादक है, एडिटर है सहारा समय बिहार झारखंड के। संजय जी, बिहार की भी कई सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और बिहार में 33% मतदान की खबर है, कितना फीसदी ये जाएगा, क्योंकि दिन है, गर्मी है, 4 बजे के बाद फिर से लोग एक बार अपने घरों से निकलेंगे, 2-2.5 घंटे लगातार लंबी कतारें दिखेंगी, और अगर बंपर वोटिंग हो रही है तो किसके फेवर में, क्या अंदाज़ा? देखिए, अंदाज़ा लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग चल रही है और वोटिंग जब चलती होती है तो कभी एक आकलन निकाल कर और एक नतीजे पर पहुँचना उचित भी नहीं है। अब आप देखिए कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग एक मानसिकता भी है, जहाँ की अलग अलग एक वाद है।
जैसा कि अश्विनी जी ने भी बताया कि राष्ट्रवाद वर्सेस रेस्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई एक कंक्लूजन पहुंच के हम ऐसी बात कह सकते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि किसान एक यदि मुद्दा नहीं होता तो किसान को लेकर ना तो बीजेपी बहुत फोकस्ड होती ना कांग्रेस बहुत फोकस्ड, क्योंकि रूरल वोटर बहुत मैटर कर रहा है। 2014 में यदि एनडीए की सरकार आई थी, बीजेपी को जो बम्पर समर्थन मिला था उसमें ग्रामीण वोटरों का बड़ा महत्व था, कांग्रेस के भी निशाने पर वो है। अब रही बात बिहार की, बिहार में टफ फाइट है, टफ फाइट है, लेकिन वहाँ पे महागठबंधन वर्सेस एनडीए है, इसमें कोई दो मत नहीं। और जब दोनों की बात हो रही है तो उसमें कई सारे इश्यूज हैं, सिर्फ नेशनलिज्म नहीं है। बिहार जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर अभी कई इलाकों में तो आपको पानी एक इशू बन गया है, एक पंचायत पूरा ग्राउंड वाटर लेवल एकदम चला गया नीचे, वहाँ पानी के लिए तरस गए हैं 2 महीने से लोग, तो वहाँ पर वो पानी मुद्दा बन गया है। अब जहाँ पानी मुद्दा बनेगा वहाँ समझिए कि जिसकी सत्ता होती है उसके खिलाफ मानसिकता भी बन जाती है, लेकिन सिर्फ एक पक्ष है वो, सिर्फ वही एकमात्र पक्ष नहीं है, कहीं नेशनलिज्म भी इशू है, कहीं कास्ट समीकरण भी है, कहीं ध्रुवीकरण भी है, और ये तीनों चीजें काम कर रही है इस वक्त, चाहे बिहार हो या रेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री हो, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये तीनों चीजें काम कर रही है। यहाँ पर भी हम जब जाते हैं तो नोएडा गाजियाबाद एक अर्बन एरिया है और दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ की एक वोटर्स की अपनी मानसिकता है, वहां पर एक बहाव दूसरे तरीके का होता है। दिनेश जी, आज नॉमिनेशन किया है सोनिया गांधी ने, नॉमिनेशन करते ही कह दिया है कि आप जितने मर्जी दावे करते रहिए, राजनीतिक पंडित बैठकर विश्लेषण करते रहे, 2014 में भी यही हुआ था, लेकिन 2004 को आप मत भूलिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी अजय माने जाते थे लेकिन जीत हमारी हुई थी, आप तो इतना बता दीजिए अनिल अंबानी को ठेका कैसे दे दिया जो राहुल गांधी बात करते थे, अब उनकी माता जी ये तो यही इतने लोग हैं, यही इनका कांग्रेस है, यही इनकी पार्टी है, यही इनका परिवार है। दूसरी चीज कि उन्होंने 14 और 19 की बात की, बीच में 17 का भी जिक्र कर लेना चाहिए। हम बार बार कहते हैं वो रायबरेली वही रायबरेली है जो पुश्तैनी कांग्रेस पार्टी को सीट है, रायबरेली भी और अमेठी में, अमेठी को भी अगर 2 बार आप छोड़ दीजिए और 4थी बार वहां से नॉमिनेशन राहुल गांधी भी किए हैं। नई एक परंपरा शुरू है, कम से कम मोदी जी ने इस स्तर पर पहुंचा दिया कि नॉमिनेशन के पहले लोगों को पूजा पाठ करना पड़ रहा है, हवन करनी पड़ रही है, इतनी सद्बुद्धि भगवान ने दी है और करना भी चाहिए, अच्छी भी बात है, किसी का पेंटेड नहीं है उस पर। दूसरी चीज अगर हम 17 की बात कर रहे हैं तो 14 से लेकर 17 तक जो 3 वर्षों का अंतर है और 19 में फिर चुनाव हो रहा है, उन 5 सीटों में 5 विधानसभा में एक सीट है कांग्रेस पार्टी के पास, ये इनकी स्थिति है। तो जहां पर जिन पार्टी, क्योंकि विधानसभा मिला के ही लोकसभा बनता है, अगर आपके लोकसभा में 5 सीटों में 4 सीटों में कांग्रेस पार्टी नदारद है तो फिर स्थिति आप जान लीजिए, तो इनका हश्र क्या होने वाला है अमेठी में, और अमेठी की सीट तो अमेठी की भी विधानसभा की सीट राहुल गांधी हार गए, तो इनका क्या हश्र होगा भगवान जाने, पूजा प्रार्थना यही करें, अब कुछ इनके पास का नहीं रहेगा। और दूसरी चीज अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी तो ऐसे कह रहे थे, ये लोग तो हमको कभी लगता ही नहीं कि अच्छा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अगर सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हो तो बात समझ में आता है, जो दल 37-37 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं वो सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, ये बैठ के कह रहे थे सारी पता नहीं कितनी 21 सीटें 23 सीटें या सब सीटें कह दिए होंगे, ये हिंदुस्तान है ना, मुंगेरी लाल के सपने देखने से कौन रोक सकता है, ये जमीन पर तो लोग रहते नहीं, और पिछली बार क्या हुआ था, पंच परमेश्वर हुए थे, 5 सीटें आई थी इनकी और हाथी तो अंडा देके चली गई थी, इनका गठबंधन ये है, ये गठबंधन है। जब साइकिल मैंने तीनों लोगों को सुना है, मैं सारे हमारे साथ बैठा करिए तो थोड़ा कान खोल बैठा करिए, मैं सुनता हूँ, आप 21 सीट कह रहे हैं तो मैंने एक शब्द नहीं बोला, अरे अरे लारी जी जरा सा शांत रहिए ना, आप धरातल पे रहिए, एक चुनाव हुई है, जरा सुनिए, करने वाला सड़क छाप चर्चा नहीं, खुद अपने अरे चुप रहिए, आपके कहने से कुछ होने नाला नहीं है, जनता तय की अपने बोर्ड में, चुनाव राष्ट्रवाद बनाम वंशवाद का है, एक चुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का है, एक चुनाव राष्ट्रवाद बनाम व्यक्तिवाद का है, इसमें ये लोग कहां खड़े हैं, जनता तय करिए। और मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, मैं खुद चुनाव देख आया हूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पर जन सैलाब उभर रहा है और गठबंधन और कांग्रेस पार्टी जो घूर रहे हैं, पकड़ करके जा रहे हैं कि कम कम पर्ची बनवा लो और भले कांग्रेस को दे दो सपा को दे दो, ये इनका हाल है। भी तुम बोलिए बीमारी ठीक करिए, आज आपको जनता 91 सीटों पर ना अभी बीमारी ठीक कर देगी, देश की जनता बहुत जागरूक है, आप लोगों का इलाज उन्हीं के पास है, सुनिए
चलिए थोड़ा सा इनको भी चुप कराते हैं, आता हूँ दिनेश जी आपके पास आता हूँ। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, चाहे सपा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबका दोनों पार्टियों के नेता यहाँ बैठे हैं, उनका यही कहना है कि कांग्रेस किसी तरह की कोई फाइट में नहीं है। सपा जो है वो 23 में से 21 सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, तमाम सीटों पर हम जीत रहे हैं, एक अच्छी बढ़त हम पहले फेज में ही हासिल कर लेंगे। कांग्रेस कहीं नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो। आपका रिएक्शन? ये जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की बात की जा रही है। हमारे सबसे बड़े शत्रु राष्ट्र के प्रधानमंत्री इमरान खान चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन सा छद्म राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी धारण करके चल रही है, लोग जानना चाहते हैं इसका। अभी तो सिंह साहब डरते क्यों है? और विषय विकास का है, मैंने विकास सुनना चाहते हैं। अरे सुन तो लीजिए, आप जवाब मांग रहे हैं, दे दो तब आगे बढ़िए, इसी का जवाब ले लीजिए इमरान खान वाला। सुनिए, हार रहे हैं, सुनिए आप इस... अरे बात पूरी हो जाए फिर जवाब दीजिए। अच्छा ठीक, वही पूछ रहा है। दिनेश जी एक बार उसके बाद में आपके पास आता हूं। नरेंद्र मोदी के है नवाज शरीफ से प्यार, इमरान खान जिनका यार, वो क्या करेंगे देश का बेड़ा पार? आज ये भारत देश जानना चाहता है, देश ये भी जानना चाहता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो साबित किया कि दस्तावेज चोरी के नहीं थे, चोरी पकड़ी जा रही थी, चौकीदार की चोरी पकड़ी जा रही थी, ये भ्रष्टाचार पे इनका रिकॉर्ड है। और ये बताइए ना कि नरेंद्र मोदी के भाषणों में जीएसटी का जिक्र क्यों नहीं होता, राफेल का जिक्र क्यों नहीं होता? पढ़ के आए कि नहीं आए? राहुल गांधी बन गए हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, एयर अटैक पर वोट देने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? क्या फिर एयर अटैक पर वोट चाहिए तो सेना के ब्रिगेडियर को लड़ाओ जिसकी बटालियन ने अटैक किया। ये कौन सा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? उपलब्धि के नाम पर अंडा है आपके पास? अच्छा, बता रहा हूं, पुलवामा के नाम पर वोट मांगते हैं, शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? सबसे ज्यादा शर्म आती जमानत पर माँ बेटे घूम रहे हैं, शर्म आती है कि नहीं आती? इमरान खान से कौन? अरे जमानत पर माँ बेटे हैं, शर्म आती है कि नहीं? आदमी के पैर छूने गए, अरे मैं पूछ रहा हूं दीजिए। अरे जमानत पर माँ बेटे हैं, शर्म आती है कि नहीं? पूछ रहा हूँ, बता दीजिए, या तो कहिए नहीं आती है तो कहिए हाँ, बता दीजिए तो आगे बढ़ू। नहीं बता पाएंगे, अब आगे बढ़ता हूं। सुनिए, आपका पहला सवाल था कि इमरान खान ऐसा बयान, मेरी आवाज कट गई सिंह साहब? हाँ, आपकी आवाज कटी जाएगी, कोई सुन नहीं रहा आपको, जनता भी नहीं सुन रही, कांग्रेस पार्टी को कटी जाएगी। अब आता हूं कि इमरान खान, आपका पहला सवाल था कि इमरान खान जैसे कांग्रेस का डर है ना, जैसे सारे भ्रष्टाचारी डर गए हैं ना, वैसे इमरान खान को अब एहसास हो रहा है। इमरान खान को भी पता चल गया है कि हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया है 19 में फिर से नरेंद्र मोदी बहुमत के साथ हिंदुस्तान में सत्तासीन हो रहे हैं, फिर से एक बार हिंदुस्तान की जनता उनको सेवा का अवसर देने जा रहा है, इसलिए वो गिड़गिड़ा रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी गिड़गिड़ा रही है, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, जैसे ममता बनर्जी, जितने भी दल हैं जो लोग सीना ठोक रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं चुनाव लड़ने के, ना तो ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी जी का क्या यारणा है, बताइए इसका उत्तर दीजिए। आज तो भूपेश जी गजब हो गया, शरद पवार ने कह दिया कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी का क्या यारणा है, इसका उत्तर दीजिए। जरा सा है कोई उत्तर आपके पास? अरे बीमारी ठीक कर ली संजय जी, आज ठीक कर ली जनता बीमारी। दिनेश जी आता हूं आपके पास, संजय जी ठीक किया, बता दिया किस स्टेट में जीत रहे हैं? दिनेश जी, दिनेश जी आओ आप, दिनेश जी आता हूं आपके पास। संजय जी, स्मार्ट सिटी, पाकिस्तान, जीएसटी, रफेल, चौकीदार, ये सब मुद्दे हैं या जनता जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आज बटन दबा रही है उसके जहन में कौन से मुद्दे होंगे? लोकल मुद्दे होंगे, हमारे सांसद ने क्या किया ये मुद्दे होंगे, 72,000 की बात होगी या 6,000 रुपए की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, या ये चौकीदार, रफेल और इसी में उलझ जाएगा, इसी में उलझा लिया जाएगा एक बार फिर से मतदाता को? नहीं उलझेगा, ये देश बहुत प्रबुद्ध है, विश्वास मानिए। जब हम कहते हैं कि हमारा देश दुनिया की एक छठी अर्थव्यवस्था हो चुका है तो पाकिस्तान का कोई काम नहीं है इस देश में। यह लोकतंत्र का महापर्व है जहां मतदाता अपनी भागीदारी निभा रहे, भूमिका निभा रहे हैं, और उन सब के अपने अपने मुद्दे भी हैं। युवाओं के मुद्दे हैं, उनका रोजगार, और देश सबका है, किसी एक का नहीं है, इसलिए राष्ट्रवाद सबके लिए मुद्दा है और ये मुद्दा चुनावी नहीं है। किसान मुद्दा है क्योंकि किसान परेशान है, जिसने भी किसान का मन अपने अपनी ओर खींचा है उनके पक्ष में चीज़ें जा सकती हैं।
रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, और सबसे बड़ी बात कि क्या मुद्दा इस रूप में भी है या जाति है। जाति हमेशा से बोलती रही है भारत के चुनाव में, और वहां पर भैया प्लीज जोड़ दीजिए, और आखिर में जब चुनाव का समय आता है तो कास्ट के आधार पर बहुत सारे समीकरण बनते हैं और उस आधार पर वोट डाले जाते हैं, तो वहां मुद्दा कास्ट हो जाता है। तो देखना पड़ेगा कि सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारा देश ये लोकतंत्र है और कई वर्गों में बटा हुआ है, जहां बहुत अमीर हैं, कम अमीर हैं, साधारण हैं, निम्न साधारण हैं, गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं और बहुत बड़े किसान हैं। तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं। वहां अब मोदी जी कितने के पक्ष में हैं, मोदी जी के पक्ष में कितने हैं, ये तो नतीजा बताएगा, या सपा बसपा या कांग्रेस, क्योंकि नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी यदि है कि नहीं, या जनता वर्सेस गवर्नमेंट है तो पक्ष में है या नहीं है, इस ओर भी देखना होगा। अश्वनी जी, अगर दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र देखा जाए तो किसका इंप्रेसिव लग रहा है, और अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो पिछले चुनावों के घोषणा पत्र से इन चुनावों के घोषणा पत्र को कंपैरिजन किया जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो को कंप्लीट करने में कामयाब रही है कुछ फीसदी तक? बीजेपी का अगर मैनिफेस्टो आप 2014 का भी उठाकर देखेंगे तो राम मंदिर, आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370, ये सारे मुद्दे उस पर पड़े बहुतायत और बड़े उस पर रहे हैं, और आज भी अगर आप देखेंगे ये मैनिफेस्टो भी उठाएंगे तो उसमें भी आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 124A के सेडिशन को लेकर के जो उन्होंने शुरू किया, बीजेपी ने जब कांग्रेस ने जोड़ा तो बीजेपी ने उस पर प्रहार किया, तो ये सब बातें रही हैं। राम मंदिर पर भी बहुत कुछ कॉन्क्रीट नहीं हुआ, भला हो बालाकोट एयर स्ट्राइक का एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया, अदरवाइज अगर डेवलपमेंट की बात करें तो बड़े दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी जिनका मंत्रालय जिसने कुछ काम किया, जिसके बेसिस पर कहा जा सकता है। हाँ, दुनिया में विश्व में अगर देखें तो भारत का सम्मान जो हुआ है या जिस तरह से अभी पाकिस्तान के साथ हुआ तो दुनिया के सारे देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए, तो एक विश्व में महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर हुआ, और मोदी जी की कूटनीति की वजह से डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री घोषित करवाने में बहुत हद तक कामयाब रहे। लेकिन देश में अगर आप कहें तो एचआरडी मिनिस्ट्री में भी कोई काम नहीं हुआ, एचआरडी मिनिस्ट्री में भी पहले तो टसल इनकी चलती रही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लेकर, फिर कुछ EMU को लेकर, फिर कुछ JNU को लेकर। हाँ, एक नई चीज जो इन्होंने शुरू किया वो ये टुकड़े टुकड़े गैंग और उन सबको जो एक्सपोज किया तो लोगों के बीच में एक लेफ्ट वर्सेस राइट पॉलिटिक्स हुई, तो लोग अपने आप को कुछ राइटिस्ट कहने लगे, कुछ लेफ्टिस्ट कहने लगे। अब रफेल की बात, जैसे पंकज चतुर्वेदी जी ने, बड़े सम्मान के साथ कहूंगा कि इस देश के वोटरों के बीच में रफेल बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है, और ना ही यहां से 1000 किलोमीटर दूर उनके मध्य प्रदेश के ही सुदूर किसी जिले में देख ले तो रफेल कोई मुद्दा है। और जो जजमेंट की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट की, मैं जजमेंट को दो लाइन में नटशेल में बता देना चाहूं, उसने कहा कि कोई ऐसा एविडेंस, इवन अदरवाइज इफ इट इज एन स्टोलन एविडेंस दैट कैन बी लुक्ड इनटू एट द टाइम ऑफ deciding the review. जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑब्जेक्शन थी कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन है, और चूंकि ये डिफेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है इसलिए इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा नहीं जा सकता रिव्यू में, जिस तरह से उनकी यशवंत सिन्हा जी की और अरुण शौरी जी की और प्रशांत भूषण जी की याचिका पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको पढ़ा जा सकता, क्योंकि पहले जो है तीन जजेस की जो जजमेंट थी, चीफ जस्टिस की और जस्टिस संजय किशन कौल की, वो एक जजमेंट थी कि इसको फ्रेश एविडेंस को लुक्ड इनटू नहीं किया जा सकता, और उसमें KM जोसेफ साहब की जजमेंट थी कि नहीं देखा जा सकता इवन अदरवाइज उसमें, तो वो मुद्दा अभी बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का असेसमेंट कार्ड उठाएंगे तो काम बिल्कुल जीरो हुआ है, लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर को लेकर के चलेंगे या नितिन गडकरी के मंत्रालय को लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर काम हुआ है। और जी, एक क्या बड़ा मंत्रालय है, पीएम से खुश नहीं था, प्रधानमंत्री से खुश नहीं था, 35A की बात करें, 370 मंदिर, स्मार्ट सिटी, ये फिर से दोबारा से पिछले घोषणा पत्र में भी थे और इस बार भी सामने नजर आ रहे हैं इस घोषणा पत्र में। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी को डरा रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई चीज डरा नहीं रही। मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपके सवाल का जवाब देके फिर आपके सवाल पे आता हूं। देखिए, पिछला जो चुनाव 14 का हुआ था वो भ्रष्टाचार और अच्छे दिन के मामले पर हुआ था। 5 साल की सरकार हमारी चली, एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो, आप कर रहे हैं ना अभी, तो आपको समझा रहा था, आप अधिवक्ता भी हैं, अच्छे विश्लेषक भी, आपने समझा दिया। जिसकी चर्चा कांग्रेस पार्टी करती है बार बार कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं, कहीं भी एक शब्द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं कहा गया, बल्कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में तीनों मसलों पर क्लीन चिट दिया था, तो चिल्लाते रहे। तो पहला मुद्दा तो यही था कि भ्रष्टाचार का छींटा भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के मोदी जी सरकार पर नहीं लगा। दूसरी चीज हमने कहा था कि अच्छे दिन किसके आएंगे, कांग्रेस पार्टी के कैसे अच्छे दिन आ सकते हैं जहां सारे लोग बेरोजगार हो गए हो, पूरा परिवार।
बहुजन समाजवादी पार्टी के कैसे लोग अच्छे दिन आ गए होंगे, जहां हाथी कहीं कुछ कर ही नहीं पाई, साइकिल पंचर हो गई, इनके अच्छे दिन नहीं आएंगे, पूरा परिवार इनका जो है बेरोजगार हो गया। अच्छे दिन किसके लिए हैं? अच्छे दिन उनके लिए हैं जो 7 करोड़ महिलाओं को जो गीली लकड़ी में आंख आंखों से पानी गिरते थे, आंख की रोशनी खो देती थी, अच्छे दिन उनके आए। अच्छा फिर बोलिए, आप बोलेंगे तो बीच में बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, थोड़ी देर शांत बैठा रहिए। आपकी मानसिकता दर्शाती है, आप अपनी मानसिकता लेकर थोड़ी देर बैठा रहिए। अच्छा नहीं लगता कि आपको बीच में जोर से बोलकर सोचता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप अपने आदत से बाज नहीं आते ला रही। एक चरित्र है समाजवादी पार्टी, आप सुनिए, मैंने आपको सुना, एक बार मैंने आपको टोका, एक बार मैंने टोका। जरा रुक जाइए ना, बात कहने दिया करिए, अनावश्यक जो है इतना समय बर्बाद होता है। जी अच्छे दिन किसके, इसी मैं यही कह रहा हूँ, अच्छे दिन उनके आए हैं जिनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चूल्हे मिले हैं, अच्छे दिन उनके आए हैं जिनको आवास, करोड़ों लोगों को परिवारों को आवास मिला है जो खुले छत में रहते थे, अच्छे दिन उनके आए हैं कि जिनको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिनको लाभ दिया गया। आप योजना अच्छी मानते हैं? कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं उनके लोग आयुष्मान भारत योजना में क्यों नहीं जुड़ पाए? क्यों नहीं? किसान सम्मान निधि, जिन लोगों की किसान सम्मान निधि जिनके खाते में गई, अच्छे दिन उनके आए। कांग्रेस के मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, आपके राज्यों में डाटा क्यों नहीं उपलब्ध कराया? पंकज जी, आपके ऊपर आरोप ये कि जो भी केंद्र की नीतियां थी उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया आपने, भेदभाव आपने खुद किया ताकि केंद्र सरकार को इसका क्रेडिट ना मिल जाए। दूसरा ये 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, और इसी आधार पर वोटिंग हो रही है, जनता जाग चुकी है, ये भी कहना है बीजेपी का। आपका रिएक्शन? भूपेश जी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार राफेल का है। मेरा फोन कुछ देर के लिए कट गया, चर्चा सुन नहीं पाया, कुछ बात जुड़ते जुड़ते सुनी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार राफेल का है, और कल देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह बहुत साफ तौर पर कहा कि वो एविडेंस चोरी के हैं वो अलग विषय, और सरकार ने भी भूपेश जी यह नहीं कहा कि वो गलत है, किसी ने यह नहीं कहा कि वो जो उसमें लिखा हुआ है कि चौकीदार चोर है वो गलत है। तो अब जब ये साबित हो गया कि देश का चौकीदार चोर है, ये कहां लिखा है उसमें, ये कहां लिखा है, वही मैं पूछ रहा हूं आपसे ना। तो 26 अगर ज्ञान हो तो जरा हम लोगों का भी ज्ञान बढ़ा दीजिए कुछ। जिसने पैरेलल नेगोशिएशन करी, क्या लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सुनिया सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते समय क्या कहा? बोखलाइए मत, अरे जानकारी ना हो तो मत बोला करिए। सुनिए, आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर चोर बकवास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कल सिद्ध कर दिया। अब शर्म आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का शर्म आना चाहिए, शर्म करिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों शर्म करिए। संजय जी, 2004 मत भूलिए, इशारों इशारों में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा, अति उत्साहित मत होइए। जनता के बीच राफेल का मुद्दा चला गया है, जनता के बीच भ्रष्टाचार की बात चली गई है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है सोनिया गांधी। देखिए, कांग्रेस है तो जाहिर तौर पर वो भी राजनीति ही करेगी, और ऐसे मौके पर कांग्रेस के पास जो अपना मुद्दा रहा है, जो जिसको वो ट्रंप कार्ड मानती रही है राफेल के नाम पर, तो जितना भी कुछ ऐसी संभावना आएगी कांग्रेस उसको छोड़ेगी नहीं। जाहिर है कांग्रेस ने ये बात जो कही, आपने एक बात जो कही 2004 याद कीजिए, जी हाँ बिल्कुल, वाजपेयी जी का समय था, उस समय जब चुनाव हुआ तो शाइनिंग इंडिया कैंपेनिंग चली, और बहुत सारे सर्वेज भी बहुत सारी बातें कहते रहे, यूपीए सरकार आई। बात ये नहीं है कि नतीजे क्या होंगे, संभव है मोदी जी की सरकार दोबारा आ जाए, संभव है कि यूपीए की सरकार बने, कुछ भी संभव है, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पर हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं कर सकते जब तक नतीजे नहीं आते हैं। ठीक है, अपना अपना अनुमान हो सकता है, किसी की अपनी चाहत हो सकती है, उस हिसाब से व्याख्या लोग कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2004 में एक शासनकाल था वाजपेयी जी का, गुड गवर्नेंस था वहाँ, ऐसा नहीं था गुड गवर्नेंस नहीं था, लेकिन नतीजे उलट आए। क्यों आए इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। 2019 चुनाव है, क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव हुए हैं अपने देश में? एक बड़ा सवाल ये भी है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो भी सरकार रही, जिसकी भी सरकार रही, वो
विकास करती रही है, कम या ज्यादा ये डिग्री का फर्क आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं होते हैं अपने देश में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जिसको लेकर लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना मत का प्रयोग करना चाहते हैं और करते भी हैं। इसे बार बार कहता हूँ कि एक नतीजे पर नहीं पहुँचा सकता है, चाहे कांग्रेस राफेल को लेकर बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीट रही हो और लगता हो कि राफेल ही बिकेगा इस चुनाव में, ऐसा नहीं है, लेकिन लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ राष्ट्रवाद ही बिकेगा ऐसा भी नहीं। चलिए तारिक अहमद लारी उनके पास नहीं, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, हम समझना चाहते हैं नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि संजय जी ने देखे 2004 की बात की और 2019 की हम बात कर रहे हैं, बीच में 9 की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो शासन छोड़कर जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई थी वो 5 साल नेपथ्य में है, वो भी नेपथ्य में है, मनमोहन सिंह भी नेपथ्य में है, उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी एक बार भी चर्चा नहीं कर रही। कंपेरिजन करना चाहिए था कि हमने अपने 5 सालों में ये दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में ये दिया था, एक बार भी चर्चा उसकी नहीं हो रही। वो बीच का कालखंड ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाए बस। इतना जी क्या है ना, 2004 से 2014 तक यूपीए का शासन था और 2014 में फिर आप आए और तभी तो अच्छे दिन बोलकर आप लोगों ने सत्ता पाई। हमने कहा लेकिन अब अच्छे दिन किसके, आपने अपने तरीके से अच्छे दिन की व्याख्या कर और इस चुनाव में लेकिन चर्चा नहीं है हमारा यही सर। और भूपेश जी आपने एक सवाल पूछा था, हमसे छूट गया, तो आपने ये कहा कि आपने इन इन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, आपने उस पर प्रतिक्रिया भी ली थी हमारे साथी से। देखिए कोई भी आप एक घोषणा पत्र हमारा 14 को उठा लीजिए, हमसे पॉइंट टू पॉइंट आप बात कर लीजिए, फिर इसका मतलब ये कहना चाहिए कि 1947 के बाद कोई घोषणा पत्र आनी नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी गरीबी हटा रही थी आज तक नहीं हट पाई, तो फिर घोषणा पत्र क्यों ला रहे हैं? ऐसा नहीं है उन क्षेत्रों में। और एक चीज संजय जी ने ठीक कही कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लोग कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ ये ना हुआ, क्योंकि उनको उम्मीद है, उम्मीद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। और राफेल का आरोप क्यों नहीं चिपक पा रहा है पता है मोदी जी पर? पूरी कोशिश इन्होंने की 15 साल तक कि मोदी जी के ऊपर कोई ना कोई आरोप चिपक जाए। 5 साल तक नहीं, जब 5 साल नहीं, जब गुजरात में थे तो इन्होंने पूरी कोशिश की। आप मुझे बता दीजिए कौन सी इंक्वायरी इन्होंने बैठा दी, लेकिन जब कोई आदमी ईमानदार है तो आप बेईमान कैसे साबित कर सकते? चलिए इसलिए नहीं चिपक रहा है। आऊंगा आपके पास, तारिक अहमद भाई हमारे साथ मौजूद है, आऊंगा पंकज जी आपके पास। तारिक जी, सपा बसपा का जो गठबंधन है पूरी तरह से फेल रहा है, पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 35-35 सीटों पर लड़ रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है दिल्ली का रास्ता, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उस रास्ते पर तैयार, बीजेपी का दावा, आपका जवाब। देखिए ये लोग अपना थोड़ा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसको ये कहा जाएगा, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करें तो ये उलझुल बातें करते जा रहे हैं। अब आप इन लोग का यू टर्न देखिए, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले अलगाववादी जितने भी कश्मीर के अलगाववादी थे उन लोगों की सिक्योरिटी हटाई थी, आपको मालूम है कि परसों इन लोगों ने डबल सिक्योरिटी वापस करी है इन लोगों को, जिसके पास 4 थे उसको 8 गनर्स दिए गए हैं। क्यों किया ये काम? पब्लिक को जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरा ये कह रहे थे अभी दिनेश जी कि क्या काम हुआ 5 साल में, 5 साल में तुलना कर लीजिए, तो तुलना हम करते हैं दिनेश जी, मेरी रिपोर्ट नहीं है, आप ही के विभाग की रिपोर्ट है और वो विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, उसके हिसाब से पूछने के बाद तुरंत जवाब ले लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी वाले ने देश से जवाब नहीं दिया, 34,000 मकान हमने बनाकर दिए थे बिल्कुल, और आप लोगों ने 5 साल में कुल 53,000 मकान बनाए हैं। एक बार ये उत्तर ले लीजिए, दूसरा रोडों की बात रही, उत्तर आप 1,00,000, एक उत्तर ले लीजिए, दूसरा प्रश्न 31 किलोमीटर रोड बनाई हम लोगों ने और आप लोगों ने 1,20,136 किलोमीटर रोड बनाई, और आप जब काउंट करते हैं तो दोनों तरफ की रोड तो अलग अलग काउंट करते हैं, हम एक तरफा रोड काउंट करते हैं। चलिए ये दुई झूठे आदमी जी ये कह रहे हैं, दो तरफ की जोड़ लेते हैं तो वो दुगनी हो जाती है, रोड जोड़ते हैं एक तरफ का रोड जोड़ते हैं, असल में दोनों तरफ के समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों साथ साथ हैं। अरे विकास आप कर रहे थे तो काहे नानी याद आ गई, बताइए दिनेश जी काहे बुआ याद आ गई आपको, बहुत अच्छा आपने काम किया था ना,
और जाने के बाद भी टोपी तक आप नहीं छोड़े, शांत रहिए। हम ये कह रहे हैं कि आप जवाब लीजिए, तो पूरे देश में जहां से आप हैं, सवाल नहीं सुन पा रहा हूं। नहीं सवाल तो होती ना, कितने कभी भूल जाएंगे, एक एक का जवाब लेते चले। ये रोड रोड का पहले कह रहे थे कि रोड आपने दो तरफा की जोड़ के बना दी, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ बेवकूफ बना रही है भारतीय जनता पार्टी कागजों पर, आंकड़ों पर। अब सुनिए, असल में क्या है कि समाजवादी कह रहे थे कि संतुलन खो बैठी दूसरे, हम हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, असल में संतुलन एक खो बैठे हैं। जिस तरह से इनको हताशा निराशा लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में मिला, उससे परिलक्षित होता है। हार जब होती है ना, चोट की वोट बड़ी गहरी होती है, फिर करा भी नहीं पाते हैं, करा भी नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन लोगों का मानसिक संतुलन खो गया। और दूसरी चीज, भाई भी छोड़कर चला गया साथ। तीसरी चीज, जब इन्होंने सूची निकाली तो इन्होंने मुलायम सिंह यादव को ही गायब कर दिए। तो मानसिक संतुलन है कि जब इनको याद आता है फिर से उसको शामिल करते, उस बात पर नहीं जाते। दूसरी चीज, आप जहां से लारी जी हैं उत्तर प्रदेश में ना, इस देश में जरा फिर से फिर चिल्लाए, फिर आप बीच में चिल्लाए, कहिए आपसे तेज बोल सकता हूं, आपको बोलने नहीं दे सकता हूं। बोल भी रहे, लेकिन पता नहीं क्या है, कौन सुन पाएगा। लारी साहब, आज देश भर में सबसे ज्यादा आवास अगर कहीं बना है तो उत्तर प्रदेश में बना है। लारी जी जरा काम का इस्तेमाल करिए। मैं सारा समय के माध्यम से आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपकी सरकार होती है तो आप लोहिया ज्ञान खोजते हैं। सुनिए, मायावती जी की सरकार है तो आप अम्बेडकर ग्राम खोजते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो आवास दिया है, जात पंथ और मजहब के नाम पे नहीं दिया है, सारी जातियों को दिया है। जो आपकी बौखलाहट है लारी जी, जो मानसिक संतुलन आपने खो दिया है, उसका परिणाम है आज सारी जात धर्म पंथ और मजहब के लोग भारतीय जनता पार्टी को खुलकर बोल रहे हैं, आप बौखला गए हैं। दिनेश जी थोड़ा सा आराम से पानी पीजिए थोड़ा सा। अरे मैं तो बोलता नहीं, बीच में ना बोले तब दो मिनट में बात खत्म कर। 3 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आए हैं। अगर बात करें 3 बजे तक के मतदान की, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 53%, मुजफ्फरनगर में 52%, बागपत में 51%, गौतम बुद्ध नगर में 51% मतदान हुआ। वहीं उत्तराखंड के टिहरी में 58% मतदान 3 बजे तक हो चुका है, करीब करीब 3 घंटे की वोटिंग। और अश्विनी, ये आंकड़े और बढ़ेंगे, और इन आंकड़ों से आप संतुष्ट? लोग उतनी रफ्तार से निकल रहे हैं बाहर जितनी रफ्तार से सोचा गया था? देखिए, ये इसमें जो ज्यादा टर्नआउट है ये युवा वोटरों का है, जो नए एनरोल हुए हैं वो, उसमें अगर आप परसेंटेज उठाकर देखें तो उनका परसेंट कहीं ना कहीं हर जगह 10-12% के बीच में होगा। तो जो नॉर्मल वोटिंग होते हैं उस वोटिंग के बाद ये इंक्रीज हुआ, तो वैसे डेमोक्रेसी के लिए तो एक अच्छा साइन है, लेकिन सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक अच्छा साइन है कि नहीं है, ये एक जरूर होता है। क्योंकि जब लोग बदलाव चाहते हैं तो लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने जाते हैं, और जब लोग बदलाव नहीं चाहते कुछ तो होना नहीं है, क्योंकि जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में लोगों की सोच जाती है तो वो घरों से भी नहीं निकलते। तो ये अगर हम देखें तो एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, परंतु इसमें कई कई जगहों पर, जैसे आप देखें कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस नहीं, तो कांग्रेस का परंपरागत वोटर अपना वोट किस तरफ देगा, या वो कांग्रेस को ही देगा क्योंकि उनको पता है कि उनका कैंडिडेट जीत नहीं रहा है। सपा बसपा के बीच में, जैसे अब एक और ध्रुवीकरण की बात करते हैं कि होता क्या है कि जो यादव कम्युनिटी है, वो यादव कम्युनिटी तो जहां पर वोट लेने की बात होती है तो बसपा का वोट अपने फेवर में ले लेती है, लेकिन जहां पर सपा को उसको देने की बात आती है, बसपा को देने की बात, वहां वो नहीं देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ये भी एक बड़ा, तो वो भी उसका वो वोट किस तरफ जाएगा, क्या बीजेपी को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा, ये भी एक बड़ा उसका समीकरण है। अब एक जो बड़ा यहां पर विषय है वो ये विषय है कि जिस तरह से कह रहे हैं हमने बड़ा सारा डेवलपमेंट किया, बहुत सारा काम किया, अगर डेवलपमेंट हुआ तो 2022 तक गंगा को फिर से करने का, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाते। अगर बढ़ाने की बात हुई होती तो देखिए किसानों के ऊपर, गन्ना किसान है, गन्ना किसानों की अपनी समस्या, कुछ हद तक बीजेपी गवर्नमेंट ने गन्ना किसानों के लिए, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो उन्होंने उनकी जो जायज मांग थी उसको पूरा किया। बड़ा बैलेंस बना के चल रहे हैं आप, लेकिन अगर उसके बाद उसमें बिल्कुल एक बार फैक्चुअल बात को, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो गन्ना किसान है, गन्ना किसानों के लिए किसानों को जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, कि ऐसा कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 3-4 जो बिजनेस हाउसेस हैं उन बिजनेस हाउसेस के कहने पर चलती है, जिसको जहां की जितनी जमीन चाहिए होती है वो जमीन ले लेते हैं, लेकिन 177 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का इनका लक्ष्य है वो लक्ष्य अच्छा है। पॉल्यूशन को लेकर के देखें तो एक लाइन में सिर्फ इतना है कि हम वायु प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे, उसमें एक है। और उधर कांग्रेस भी देखें तो उन्होंने जलवायु और जलवायु परिवर्तन की बात की, लेकिन पॉल्यूशन के लेवल पर, क्योंकि कार्बन एमिशन इतना एनवायरमेंट में फैल रहा है, दिल्ली एनसीआर के अलावा भी और जो शहर हैं देश के वो दूषित हो रहे हैं, तो सस्टेनेबल जो
डेवलपमेंट की बात है, जो चेक एंड बैलेंस की बात है, वो चेक एंड बैलेंस कहीं ना कहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी नहीं दिखता। ज्यादातर अगर आप भाषणों में देखेंगे तो चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री, उनके भाषणों में याद है हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, हम बदला लेंगे, ये मत सोचना कि हम चुप बैठे हुए हैं, ये सब बातें इंगित करती है कि हमारे पास जो हमारा मेन मैनिफेस्टो है, क्योंकि जीएसटी और अगर आप नोटबंदी का देखें तो लॉन्ग टर्म में कितना इंपैक्ट होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन रोजगार कम हुआ। क्योंकि 2004 की बात कर लेते हैं, बात चल रही है 2004 में एक बड़ा इकोनॉमी बड़ा बूम आया था, आपको याद हो कि रुपया बहुत ऊपर बढ़ रहा था, डॉलर सीधे सीधे नीचे जा रहा था 2004 में, क्योंकि नरसिम्हा राव की जो पॉलिसीज थी उनको एज इट इज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हम वहां करेंगे, वो एज इट इज इंप्लीमेंट किया। रियल एस्टेट में भी बहुत बूम आया अगर आप देखेंगे, लेकिन अभी रियल एस्टेट में देखेंगे रियल एस्टेट एकदम कोलैप्स कर गया। तो कैसे कोलैप्स किया, कहां से कोलैप्स किया, उस पर नहीं जाना चाहिए, ये एक यही अच्छा इसको साइन अच्छा नहीं मानेंगे। क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी ग्रोथ तभी करती है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जब आपके रियल एस्टेट बिजनेस में काम होता है, जब रोजगार होता है। पंकज जी, यहां पर दावे भारतीय जनता पार्टी के, सपा बसपा के, यहां तक कहा जा रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी हारेंगे, रायबरेली में सोनिया गांधी हार जाएंगी, सूपड़ा साफ हो जाएगा, पूरे देश में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लोगों को समझ में आ गया है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या और कैंडिडेट से कोई लेने देना नहीं है देश की जनता को, आपका रिएक्शन? तो फिर ये 543 सीटों से नरेंद्र मोदी जी का ही नामांकन भरवाते, बीजेपी के बाकी लोगों क्यों भरवाया? ये भारतीय जनता पार्टी शत्रुमुर्ग की मुद्रा में है कि मुंडी नीचे रेत में डाली, उसको लग रहा है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा, बहुत, सुन लीजिए ना आप भूपेश जी, एक तो ये दिनेश भूपेश जी, पंकज जी आप अपनी बात खत्म करिए, दिनेश जी एक तो अन्याय ये है कि ये स्टूडियो में बैठे आपके बगल से और हम लोगों की आवाज दबा दी जाती है, बोलने दीजिए तो आवाज दबा देंगे, बोल नहीं पाएंगे, बात खत्म करिए, दिनेश जी बात करने दीजिए उनको, आता हूं आपके पास, हर मामले में बीच में बोलते हैं। चलिए, अच्छा लगा अभी आपको? दिनेश जी बात सुनिए, है मैं जानता हूं दूसरे के बारे में सोचा रहे, दिनेश जी आने दीजिए ना, सुनने दीजिए उनकी बात, भी आने दीजिए। भूपेश जी आज 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 देश से जानना चाहता है, जिस ओर हमारे विश्लेषक महोदय ने इशारा किया कि सरकार के पास अपनी उपलब्धि के नाम पर शून्य है, कोई ऐसा काम ये सरकार बता दे इसकी जो 5 साल की उपलब्धि हो, क्यों ये बेरोजगारी पर बात नहीं करते, नोटबंदी की बात नहीं करेंगे, जीएसटी की बात नहीं करेंगे, स्मार्ट सिटी की बात नहीं करेंगे, बुलेट ट्रेन की बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात नहीं करेंगे, वो स्टार्टअप इंडिया कहां है, स्किल इंडिया कहां है, मेक इन इंडिया कहां है, डिजिटल इंडिया कहां है, ये उज्ज्वला योजना की बात कर रहे थे, कितने लोगों ने दूसरा सिलेंडर लिया बता दीजिए, आंकड़े सरकार पेश कर सके तो। और भारी भ्रष्टाचार जो राफेल में हुआ वो सबके सामने है, किस प्रकार का छल कपट किया गया, आज लोग पूछ रहे हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान पुलवामा में एयरलिफ्ट चाहते थे उनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं दिया, किसके चलते पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, किसकी सरकार की लापरवाही थी, कैसे विस्फोटक वहां पर पहुंचा। चलिए आऊंगा पंकज जी आपके पास, दिनेश जी इसका जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार का नवादा स्थित गोविंदपुरम गांव में एक बूथ पर मतदान के दौरान फायरिंग की खबर है, बताया जा रहा है कि बूथ नंबर 56 और 57 पर यह फायरिंग हुई है जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसको अस्पताल ले जाना पड़ा। समय संवाददाता संजीव हमारे साथ मौजूद है, संजीव क्या वजह रही? संजीव आवाज सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे, गोविंदपुरी गांव में फायरिंग की खबर है, 56-57 पोलिंग बूथ पर फायरिंग हुई है, किसने ये फायरिंग की है, वजह क्या रही? बिहार के नवादा में मतदान और वहां पर पहले चरण के लिए वोटिंग डाली जा रही है और एक बूथ पर मतदान के दौरान फायरिंग की खबर है, बताया जा रहा है कि बूथ नंबर 56 और 57 पर यह फायरिंग हुई है जिसमें शख्स घायल हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कई जगह पर देखी जा रही है, हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से भी और दावे चुनाव आयोग की तरफ से भी कि तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। संजीव हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, संजीव आपसे जानना चाहेंगे 57 और 58 बूथ नंबर पर फायरिंग हुई है, क्या वजह? देखिए अभी जो हमारे पास खबरें आई है 57, 58 और 59 ये तीन जो बूथ संख्या है नवादा के रोह के सुंदरा गांव की एक घटना है जहां दो गुटों के बीच फायरिंग हुई है और घायल होने की भी सूचना आ रही है उसमें, और ये जो खबरें आ रही है कि दो गुटों के बीच कहीं ना कहीं झड़प हुई है, उसके बाद फायरिंग हुई है और घायल भी हुए हैं लोग, तो निश्चित तौर पर ये जो अभी घटना सामने आ रही है, हालांकि मौके वारदात पर तमाम जो प्रशासन और पुलिस के लोग पहुंच रहे हैं, रोह यहां से करीब नवादा से करीब
30 से 35 किलोमीटर की दूरी है, वहां सुंदरा गांव है, वहां ये घटना घटी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी तक में ये बड़ी खबर कह सकते हैं नवादा से है, और इसके पहले भी कुछ छिटपुट खबरें आ रही थी, लेकिन ये जो घटना है जहां की जो बताया जा रहा है कि जो दूसरा पक्ष था वो बचाव के लिए गोली चलाया है, हालांकि प्रशासनिक पुष्टि बहुत कुछ सामने नहीं आ पाई है कुछ देर पहले की ये घटना है, लेकिन ये जो हमारे पास बूथ संख्या की बात करें तो 57, 58 और 59 ये तीन वहां पर बूथ संख्या है जहां पर दो गुटों के बीच झड़प का मामला। इतने लोग जख्मी और हथियार लेकर अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो कोई तलाशी किसी किस्म की उनकी छानबीन या कोई आने से पहले अगर पोलिंग बूथ के आसपास आ रहे हैं और वहां पर गोलियां चलाई जा रही हैं, पुलिस क्या कर रही है वहां पर? देखिए निश्चित तौर पर आपका सवाल बहुत सही था, सही है कि आखिर ये वहां तक कैसे पहुंचे वहां पर, जबकि लाइसेंस सीज कर लिया जाता है, आर्म्स सीज कर लिया, आर्म्स को प्रशासन के अंडर में वो रहता है, तो वहां किस तरह से ये कैसे असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचे। और ये खुद मैं पहले भी बताया कि कुछ देर पहले की घटना, मैं खुद अभी नवादा में हूँ और ये हमारे पास खबरें आई है, तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय बनता है। गिरफ्तारी हुई या पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है, जांच होगी, फाइलें खुलेंगी, उसके बाद नेताओं का दबाव आएगा, खत्म हो जाएगा मामला। किसी किसी को गिरफ्तार किया, किसी को हिरासत में लिया पुलिस ने, कह सकते हैं। और ये नवादा में जिस तरह से लगातार अभी पोल परसेंटेज की बात करें तो 44% पोल हुआ, और वैसे में अभी तक अकबरपुर से भी एक खबरें आई थी कि वहां भी झड़प की खबरें आई थी, तो कुछ जगहों पर भी और भी खबरें आ रही थी, लेकिन रो की जो ये घटना है ये बड़ी घटना आ रही है नवादा से, जो खबरें आ रही है कि रो के सुंदरा गांव में इस तरह की घटना घटी है, तो निश्चित तौर पर जो निर्वाचन आयोग की भी नजर उस पर है, और जो कह सकते हैं कि यहां से जितनी प्रशासन की टीम है वो रवाना हुई है, क्योंकि यहां से करीब नवादा जिले से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है, वहां से सुंदरा गांव में घटना घटी है, तो हमारे पास जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आपको जरूर जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया संजीव हमसे बातचीत करने के लिए। संजय जी, एक सवाल यदि आप पूछ सकते हैं तो अच्छा होता कि वहां चूंकि गिरिराज सिंह वहां से चुनाव लड़े थे 2014 में और इस बार वो LJP के खाते में NDA की ओर से गया है, तो क्या स्थिति है, क्या तस्वीर, संजीव क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, फाइट क्या लग रहा है इस वक्त? नहीं, शायद फोन कट गया। मैं यही सवाल अगर आपसे जानना चाहूं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, कितनी सेंसिटिव जगह है, क्योंकि आप बिहार और झारखंड चैनल के संपादक हैं, एडिटर हैं, करीब से देखते हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, लोकसभा क्षेत्रों को, कितनी सेंसिटिव थी या ऐसा कैसे हो गया कि जब आपके लाइसेंस पहले रखवा लिए जाते हैं, अवैध तरीके से आप हथियार लेकर चल रहे हैं, सुरक्षा में पूरी तरह से सिक्योरिटी लैप्स कहा जाएगा इसे? बिल्कुल, ये चूक है और ये संवेदनशील बूथ है, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की यदि आप बात करें तो एक साल का यदि हम हिसाब किताब देखें तो बीते एक वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब हुई है, और सरकार हालांकि बचाव हमेशा करती रही है गुड गवर्नेंस के नाम पर, लेकिन बहुत सारे सवाल सरकार के ऊपर भी है। अब वो देश के दूसरे हिस्सों से तुलना करके आंकड़ों का खेल बाजीगरी करती रही है, लेकिन बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पहले की तुलना में, जो इन्हीं नीतीश जी की सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, उससे कमतर हुआ है। अब रही बात नवादा के 57, 58 और 59 बूथ संख्या पर जिस तरह की झड़प और फायरिंग की खबर आ रही है, वो चिंता की बात तो है, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और कैसे चूक हुई है और वो लोग पकड़े गए हैं या नहीं गए हैं, ये अभी जब तक अपडेट आता है तभी पता चल पाएगा, लेकिन वहाँ फाइट है, वहाँ NDA और महागठबंधन के बीच ज़बरदस्त फाइट है, और ऐसे में कुछ ऐसे समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, दो गुट आपस में लड़ पड़ते हैं और थोड़ा सा धैर्य खो बैठते हैं, उसी का नतीजा आपके सामने है। चलिए संजय जी, इस खबर से आगे बढ़ेंगे, अपनी चर्चा पे वापस लौटेंगे। सवाल मेरा आपसे ही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है, सांसदों से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि उन्होंने अपने सांसद बहुत सारे चेंज किए, कई सांसदों की टिकट काटी, कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पे वोट पड़ रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सांसदों से नहीं लेना देना, कैंडिडेटों से नहीं लेना देना, ऐसा किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये बात सही है, किसी ने नहीं कहा, नहीं दिनेश जी ये बात सही है, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रख रहे हैं, ये बात सही है कि मोदी जी का चेहरा सामने का नेतृत्व है सरकार में, और सरकार में वो सांसद रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा इस सवाल को मैं घुमा देता हूं। हाँ। संजय जी, क्या ऐसा होता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई आदमी वोट डालने जा रहा है, उसको पता मेरा सांसद मेरे पास नहीं आया, मेरे यहां ये काम नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो BJP को वोट दे देगा? देखिए, कैंडिडेट पर भी चुनाव होता है, प्रधानमंत्री एक चेहरा होते हैं और प्रधानमंत्री का चेहरा मायने रखता है, ये एक दुखद पहलू है UPA के साथ कि वहां कोई चेहरा सामने प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, टुकड़े टुकड़े में अलायंसेस भी हुए हैं, क्योंकि वर्सेस यदि आप देखते तो जनता को आसानी होती तय करने में, यहाँ जनता कई बार कंफ्यूज भी नजर आ रही है। रही बात
ये बात सही है कि हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये भारत है, लोकतंत्र है, यहाँ जो कैंडिडेट आप खड़ा करते हैं उनके उनको भी देखकर लोग वोट करते हैं। कैडर वोट को यदि हम छोड़ दें तो जो समर्थक हैं वो तो आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए तो उन्हीं को वोट देंगे, चाहे कितनी भी आपकी आलोचना कर ले, आपकी निंदा कर ले, फिर भी वोट देते समय आप ही के पास ईवीएम का बटन दबेगा। लेकिन कैंडिडेट को ध्यान में रखा गया है और सांसदों का आकलन भी अब होने लगा है इस रूप में कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। इसमें बहुत सारे सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी रही है, इसलिए कई जगह टिकट भी काटे गए हैं, कई जगह चाहकर इन्होंने टिकट नहीं काटा क्योंकि भीतरघात की बड़ी संभावना थी। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात कर लें, बिहार में तो बहुत सारे टिकट अदरवाइज अलायंस के नाम पर कट गए, तो वहां पे भी बहुत सारे गुट खड़े हो गए हैं, तो कई तरह की दिक्कतें वहां आती है इन कारणों से भी। तो सांसदों को लेकर जो कैंडिडेट आप खड़ा करते हैं उस पर भी ध्यान जाता है, लोग उस आधार पर भी वोट करते हैं, सिर्फ वो एक आधार ही नहीं होता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक करीब 60% से ऊपर अच्छा टर्नओवर है एंटी इनकम्बेंसी या भारतीय जनता पार्टी के फेवर में? वेस्ट बंगाल में देखिए, वेस्ट बंगाल में दो तरह के समीकरण है। एक समीकरण के अभी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इन्होंने वहां पर रोहिंग्या मामला उठाया और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाया और उसके बाद उनके जो क्लैरिक थे, उनके जो मुफ्ती थे, वो तमाम बयान देते रहे रोहिंग्याओं को बसाएंगे, गजवाए हिंद करेंगे, तो वहां का जो लोकल वोटर है, जो बंगाली वोटर है, जो टीएमसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है और जो ऐसा सोचता है कि हमारा बंगाल जो है हमारा हिंदुओं का बंगाल है, वो तो बीजेपी के साथ आ रहा है। बीजेपी बहुत कितना प्रभावशाली है वो नहीं, लेकिन जो ह्यूज टर्नआउट ये हो रहा है इससे दोनों तरफ से बात जाती है। हो सकता है कि जो बांग्लादेशियों जिनको वहां पर वोटिंग राइट मिला है वो भी टर्नआउट हो सकते हैं कि हमें यहां पर रहने दिया जाए, रोहिंग्याओं को हटाने के लिए सरकार शुरू किया, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है जिस तरह से मोदी जी ने शुरू किया वहां पर कैंपेन करने की कोशिश की, कैंपेन करके राष्ट्रवाद का जो नारा दिया और साथ ही साथ हिंदुत्व का जो नारा दिया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को यह टर्म कर दिया कि बांग्लादेशियों की रोहिंग्याओं की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के फेवर में बात करती है, तो वो एक बड़ा कारण हो सकता है। परंतु वेस्ट बंगाल की राजनीति थोड़ी अलग सी है। अब एक संजय जी की बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। प्रधानमंत्री ने जैसे ही जिस दिन ओथ ली थी तो कहा था कि हर एक सांसद एक मॉडल गांव विकसित करेगा, इस तरह से हम 543 गांवों का विकास कर देंगे, मॉडर्न विलेज बनाएंगे और जो दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण होगा। आज वो मॉडर्न विलेज कहीं नहीं है, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बात नहीं है। ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, प्रमाण के साथ। दिनेश जी कहां गए वो सांसद जिन्होंने गोद लिया था गांव को और उसका नक्शा बदलने की बात की जा रही थी? ये कहा जा रहा था कि तमाम बड़े शहरों से उसका कंपैरिजन किया जाएगा, 5 साल के बाद आप देखेंगे वहां पर एकदम चमत्कारी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। भूपेश जी, पिछली बार हम लोग इसी चैनल पर, आपके चैनल पर बैठकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, संजय जी भी उसमें थे, तो ये बात आई थी। आज भी हम चुनौती देकर कहते हैं, तो आदर्श गांव सिर्फ भाजपा के सांसदों के लिए नहीं था, सभी के लिए था, लेकिन पीएम का वो ड्रीम था। मैं सुन रहा हूं, आज भी हम ये कह रहे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का आदर्श गांव ले लीजिए, दूसरे पार्टी के सांसदों के आदर्श गांव से तुलना कर लीजिए। दूसरी, संजय जी मेरी बात, जरा एक मिनट मेरी बात हो जाए। दूसरी चीज, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कोई बैठा हुआ मुझे अपडेट कर दे, उसके लिए कोई अलग से बजट नहीं दिया गया। जरा एक मिनट, गलत कह रहे हैं। अरे जरा रुकिए ना, आप राहुल गांधी के आदर्श गांव से तुलना कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ उसके लिए कोई अलग से बजट नहीं दिया गया था। मैं ये कह रहा हूँ आदर्श गांव का मतलब क्या होता है, समझ में आता है कि नहीं? झूठ बोल रहे हैं। चलिए भोपाल से करा देता हूँ, ना आप झूठ बोल रहे हैं। करा दूं आप अपने सांसद का, लखनऊ से करा दूं आपको, एक गांव, चलिए राजनाथ सिंह के गांव से करवा दूं, चलिए राजनाथ सिंह के गांव से करवा दूं, आपके गांव की जानकारी नहीं तो तुलना बताइए ना, कौन सा गांव है आपके? कैसे मैं बोलने लगता हूं? 283 गांव बता दीजिए आपको, कहना चलिए आपको 283 गिनवा दीजिए, 283 में से 28 गांव गिनवा दीजिए, मैं रख रहा हूं यहां पे, एक गांव नहीं है परिधान सड़क से जुट जाए, उस गांव में 100% नॉमिनेशन हो जाए, उस गांव में 100% किसानों के लिए हमारी सरकार ने 2 साल में 57,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। चुनौती देता हूँ,
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों। चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर भी जारी है और कैंपेनिंग में प्रधानमंत्री की बात करें नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की बात करें तो वो भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता जनार्दन है, कतारों में लगकर 40-42 डिग्री में कतारों में लगकर वो वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबा रही है, अपनी उंगली पे निशान लगवा रही है, इसलिए कि लोकतंत्र है और उनकी चुनी हुई सरकार आनी चाहिए। यह देखना होगा कि वोटिंग का बटन दबाते समय लोगों के जहन में क्या मुद्दे हैं। इस पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे हमारे अगले बुलेटिन में। और फिलहाल दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अश्विनी जी आपका बहुत शुक्रिया, तारिक अहमद लारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी बहुत शुक्रिया, संजय जी बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आप चलते रहिए सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क के साथ।